वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के एक क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। हमें सॉल्व करना है फॉर एक्स एंड वाई। इक्वेशन दिया हुआ है 3x-7 + 2iy = -5y + 5x। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट्स को इक्वेट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को भी इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3x-7 आपका रियल पार्ट है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में ये आपका रियल पार्ट है, ठीक है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, और इधर आपका ये इमेजिनरी पार्ट है ना। तो आप जब इक्वेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3x-7 = -5y और 5x = 2y। ठीक है, आई आई आपका आप हटा सकते हो, तो यहाँ से आपका दो इक्वेशन आ गया है। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ऐसे कीजिए 3x-7 = -5y है, इसको आप लिख सकते हो 3x + 5y = 7। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x + 2y को इधर लेके चलाते हैं हम लोग, 2y माइनस में हो जाएगा तो -2y, 5 इस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो -5। ठीक है, इसको इस इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, तो हमारा 3x कैंसिल हो जाएगा। अभी ये इक्वेशन वैसे ही रह जाएगा आपका 3x + 5y = 7। नीचे वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x - 6y = -15। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, इधर से आपका देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच क्या गया, +6y + 5y = 11y, और राइट हैंड साइड में 15 और +7 कितना हो जाएगा, 22। यहाँ से आपका आ जाएगा y = 2। y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं, सपोज इसमें रख देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 3x - 7 = -5 × 2। वाई के जगह पे 2 रख दिया हमने। अभी जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 3x + 3x = ये इधर चल जाके प्लस में हो जाएगा तो -10 + 7। यहाँ से आपका आ जाएगा 3x = -3 और x = हो जाएगा -3/3 तो -1। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड। गुड डे।